नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, कुदरत की तरफ से मनुष्य को दिए गए कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका सेवन करके बड़ी बड़ी बीमारियों को आसानी से दूर किया जा सकता है। एक अच्छी सेहत के लिए ज़रूरी नहीं कि हम केवल जिम जाएं या महंगे महंगे प्रोटीन शेक पिएं या फिर किसी खास किस्म की डाइट लें जिसमें हमें बहुत सारे पैसे भी खर्च करने पड़ें, बल्कि दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ें हो इस धरती पर मौजूद हैं जो हमें आसानी से मिल जाती है, जो कि ना ज़्यादा महंगी होती है, और आराम से इनका सेवन करके शरीर को हम वो फ़ायदे पहुंचा सकते हैं जो कि एक ख़ास किस्म की डाइट को पाकर हम पा सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं आंवला या फिर आंवला के जूस के बारे में। दोस्तों, आंवला कुदरत की तरफ से मनुष्य को दिया गया एक अनमोल उपहार है। इसके सेवन से शरीर में पैदा हो रही कई सारी बीमारियों का खात्मा किया जा सकता है। इसी तरह इस आंवले से इसका जूस भी निकाला जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि रोज़ाना सुबह ज़रा सा आंवला जूस भी अगर आप पीते हैं तो इससे स्वास्थ्य को क्या क्या लाभ जवाब फ़ायदे होते हैं, तो चलिए दोस्तों जानते हैं इसके कुछ खास फ़ायदे। दोस्तों, आंवले के रस में एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं जो कि बढ़ती उम्र का असर आपके चेहरे पर पड़ने नहीं देते, इसलिए नियमित रूप से आंवला जूस पीते रहना चाहिए। इससे आप लंबे समय तक जवान दिखाई देते हैं। दोस्तों, इसके सेवन से आपकी स्किन चमकदार बनती है। प्रतिदिन आंवला के रस में शहद मिलाकर पीने से आपका चेहरा चमकदार बनता है और चेहरे से झाइयाँ भी खत्म होने लगती है। इसके अलावा आंवला जूस रोज़ाना पीने से पाचन क्रिया दुरुस्त बनती है, इसलिए आंवले का रस हर रोज़ पीने से भयंकर कब्ज को दूर किया जा सकता है। दोस्तों, आंवले के रस में विटामिन सी भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो बॉडी की इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में सहायक है, इसलिए इस चमत्कारी जूस को नियमित रूप से पीने से आपको सर्दी जुखाम से भी आपका बचाव हो जाता है। दोस्तों, इसमें विटामिन सी होता है जो कि अंदरूनी पावर को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा आंवले का जूस पीने से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है। अगर आप हाई कोलेस्ट्रॉल के मरीज हैं तो सिर्फ एक गिलास आंवला जूस आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। इसे रोज़ाना पीने से शरीर के खराब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होने लगती है और शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आंवले के रस में अगर थोड़ा सा शहद मिला दिया जाए तो इससे आपके खून की सफाई भी होती है। जी हाँ दोस्तों, इससे आपका खून साफ बनता है ना कमाल की बात। इसके अलावा दोस्तों, इस चमत्कारी जूस को पीने से आपके बालों की ग्रोथ बहुत ही फैंटास्टिक होती है, क्योंकि इससे आपके बाल घने, लंबे, चमकदार और काले बनते हैं। दोस्तों, अगर आपको पेशाब में जलन की समस्या रहती है तो 30 ml आंवले के रस को दिन में 2 बार पिएं। इससे आपको पेशाब की जो जलन है उससे राहत मिलेगी। आँखों के लिए यह रस काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। आँखों के लिए आंवले के जूस को पीने से आँखों की रोशनी ठीक होती है। इस जूस को पीकर आप अपनी आँखों की रोशनी को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, आजकल के लोग बाहर का चटर बटर खाना, अत्यधिक नमक तेल मसालों वाला खाना बहुत ज़्यादा खाने लगे हैं, जिसके कारण उनके पेट में गैस की समस्या हो जाती है। तो ऐसे में आंवले का जूस पीकर आप पेट की गैस की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि इसमें कई तरह के पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो पेट के टॉक्सिक लेवल को कम करते हैं। दोस्तों, कब्ज की वजह से बवासीर का रोग होता है। आंवले का जूस पीने से एक तरफ जहां कब्ज दूर होगी तो दूसरी ओर यह बवासीर को ख़त्म करने में भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। आंवले का रस मुंह में होने वाले अल्सर यानी कि छालों से भी राहत दिलाते हैं। यह आपके मुंह में छाले नहीं होने देता है, क्योंकि पेट में गैस होने की वजह से ही मुँह के छाले होते हैं, जो कि आंवला जूस पीकर गैस को ख़त्म किया जा सकता है। दोस्तों, डायबिटीज़ के जो मरीज हैं उनके लिए आंवला जूस किसी वरदान से कम नहीं है। जी हाँ, आंवले में गैलिक एसिड, गैलोटेनिन, एलेजेटिक एसिड और कोरिलेनिंग एसिड होते हैं जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने में हेल्पफुल होते हैं, इसलिए सुबह के समय आंवले का जूस ज़रूर पिएं। दोस्तों, इस जूस को पीने से आपके बॉडी का मेटाबोलिज्म रेट भी तेज बनता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। यह सभी तत्व हमें कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से भी बचाकर रखते हैं।
दोस्तों आंवले के रस में शहद मिलाकर इसका रोजाना सेवन किया जाए तो अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसी फेफड़ों की बीमारी से भी फायदा होता है। इससे मुहासे दूर करने में भी मदद मिलती है, दिल के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया था कि आंवला कुदरत का मनुष्य को दिया गया एक वरदान ही इसे समझ लीजिए। तो इसके गुणों को जानने के बाद, इतने सारे इसके गुणों को जानने के बाद आप भी इस बात से भली भांति परिचित हो गए होंगे कि आखिर आंवला किस प्रकार शरीर के लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो दोस्तों यही थी मेरी आज की जानकारी आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो और जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।